हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए, मैं आज आपको कहाँ लेकर के आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर के आ गई हूँ जेंट्स पार्लर में। तो क्यों आना हुआ मेरा जेंट्स पार्लर में, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि देखिए बेटा जी बाल कट करवा रहे हो, क्योंकि इनका उनका हेयर जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने बोला कि चलो कट करवा के ले आती हूँ। तो आज उनको स्टाइलिश हेयर कट करवाना है, इसीलिए मैं उसका वीडियो बना रही हूँ कि देखिए इनको भी आजकल स्टाइल की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि स्कूल बंद है। इसलिए तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ पार्लर का यहाँ पर। और ये भैया जो है इसके बाल कट कर रहे हैं। इन्होंने ही अपनी डिज़ाइन सिलेक्ट की है कि मुझे इस तरीके के जो है स्टाइलिश हेयर कट करवाने हैं, तो वही कट करवा रहे हैं। देखिए हीरो बनेंगे अब ये। चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से बैठा हुआ है बिल्कुल। और मतलब काफ़ी टाइम लगा उसके हेयर कट करवाने में, क्योंकि हेयर बाल जो थे उसके काफ़ी बड़े हो गए थे। और बोला अंकल जी या भैया मेरे को ऐसे अच्छे हेयर कट करवाने हैं, ताकि मेरे जो हेयर है ना आगे से ऐसे ऊंचे करके जब मैं जेल लगाऊं तो खड़े हो जाएं। तो बोले बच्चे छोटे जेल नहीं लगाते हैं। तो फिर भी बोला जब मैं नहा के आऊँ ना तो मेरे बाल ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे हेयर कट करवाएंगे आज ही अपनी पसंद के। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। देखिए इनके फाइनली हेयर कट हो गए हैं, और अब हेयर स्टाइल भी इनकी लगभग लगभग हो गई है। और अब देखिए कंघी हो रही है, फाइनल लुक ये देखिए। और अब हम लोग चलते हैं घर। तो चलिए हम लोग घर आ गए। और ये लेकर के आई थी मैं बथुआ का साग या बथुआ की भाजी, तो वही मैं लेकर के आई हुई थी। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़ा है, क्योंकि जो है शाम के टाइम हमारे इधर बहुत ताज़ी सब्जी जो है आती है। तो वही देखिए इसको आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं, हम लोग तो इसको बथुआ का साग या बथुआ की भाजी ही बोलते हैं। चीला की भाजी भी इसको हमारे इधर बोला जाता है। ये बहुत गर्म होती है। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये कुछ पत्ते रखे हुए थे, और बाकी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से काट लिया है मैंने, और ये बहुत ही ताज़ी थी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये कुछ इस तरीके से सुनहरे सुनहरा जो है इस पर सिल्वर कलर का जो है ऐसे करकरा सा जो है थोड़ा सा कुछ बूंदी बूंदी सा निकलता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इसका फूल जो है कुछ इस तरीके का होता है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये किस किस को पसंद है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है इसके पराठे और भाजी। देखिए ये कुछ इस तरीके से आटे के जैसे इसमें निकलता है। ये बिल्कुल ताज़ी है, देखिए आप मेरे हाथों के ऊपर देख पा रहे होंगे कि उसमें जो निकलता है वो लग गया है। और उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद पूरा पानी इसका निचोड़ दिया है। ये देखिए भाजी कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी, और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है, और पूरा पानी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया है। और इधर मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्च और थोड़ी सी मटर को जो है कट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी भाजी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है इनको मसाला जो है तैयार कर लें। अब हमने रख दी है गैस पर कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल।
तो ये जो भाजी होती है ना, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जिनको अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो या जिनके बच्चों को ज़्यादा सर्दी जुखाम होता हो, वो लोग इसको यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है और बॉडी को जो है गर्म करने वाली होती है। जिनको सर्दी या खांसी या जुखाम हो काफ़ी दिनों से, वो इसका साग बना करके खाएँ। या जिनको पेट में प्रॉब्लम हो, वो लोग भी इसका साग बना करके खाएँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होता है और सेहत लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सर्दियों के मौसम में इसको ज़रूर ही खाना चाहिए। तो ये देखिए, लहसुन प्याज मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए, मेरा लहसुन प्याज भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भाजी, और नमक जो है मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज में डाल दिया है। और अब हम इसको ऐसे तोड़ तोड़ के भाजी को जो है डाल देंगे। और इसको अब हमको अच्छे से मंदी आँच में चलाते हुए जो है पकाना है। तो वही अब मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए मेरी भाजी, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए, इसमें मेहनत बहुत लगती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि ये बहुत सारी थी देखिए बॉईल होने के बाद में, इतनी कम बची हुई है। लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना, तो मेहनत को भूल जाएंगे। और रियली में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और गुणकारी होती है। तो आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी भाजी जो है कैसी लगी और कौन कौन इसको खाता है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज का दिन देखिए पूरा निकल गया है और अब हो गई है नाइट। और आज ईशु बाल कटवा के आया, बहुत उसने इंजॉय किया मतलब अपनी कटिंग को, क्योंकि बोल रहा था कि इधर इधर से काटो ताकि मेरा हेयर स्टाइल जो है बहुत अच्छा हो जाए और हीरो के जैसे लगने लगूँ मैं। ऐसी बातें वो कर रहा था वो भैया से, तो उनको बहुत अच्छा लगा जो भी बार-बार थे उनको। तो वो यही बोल रहे थे कि आपका बेटा बहुत अच्छा है और रियली में वो बहुत अच्छी बातें करता है। तो इसीलिए ना आज मैं उसके साथ गई थी बाल कटवाने के लिए। तो उनको बोला कि मेरे को ऐसी हेयर स्टाइल करवानी है कि मेरे बाल जो है खड़े हो जाएं, जेल लगाने के बाद में ऐसे सीधे हो जाएं, और एक साइड से आप बिल्कुल छोटे बाल कर दीजिए और एक साइड से बड़े। तो मैंने बोला कि स्कूल जाएगा तो बोल रहा है मम्मा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो मेरे को घर पर ही रहना है, इसलिए स्टाइलिश थोड़े दिन बन लेने दो ताकि मैं हीरो लगने लगूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, कटवा लो जैसे कटवाना है। तो आज ईशु अपने पसंद के बाल कट करवा के आया है, और आप लोगों ने देखा ही है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था मतलब बाल कट करवाने के बाद में। और फिर देखा मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाया, और वो भैया भी बहुत अच्छे से उससे बात करके बाल काट रहे थे। और रियली में जब बच्चे अच्छे हों ना, तो किसी को भी अच्छे लगने लगते हैं। और मेरा बेटा तो बहुत अच्छी बातें करता है और मतलब इतनी जल्दी किसी को अपनी तरफ इम्प्रेस कर लेता है, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। इतनी अच्छी बातें करने लगता है जैसे कि बहुत दिन से उनको जान रहा हो। और वो भैया भी यही बोल रहे थे कि मैडम आपका बेटा ना बहुत अच्छा है और इतना खुश मिजाज है कि मतलब उसने मेरे को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मतलब मैं भी उससे बात करने में ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा नया कस्टमर है, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसको मैं कई बारी जानता हूँ या मेरे पास ये कई बारी आया है। तो मतलब वो भैया को भी इससे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब मैं उसको जहाँ भी ले जाती हूँ ना, मॉल वगैरह में या कहीं भी, तो वो इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से सब लोगों से बात करता है ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा उससे बात करने का मन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब बात करते हैं उससे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जब हम लोग मॉल वगैरह में या कहीं भी जाते हैं ना, तो उसका हमेशा कोई भी रहता है वहाँ पर जो जिन लोगों की ड्यूटी वगैरह होती है, तो उन लोगों से पूछेगा मैम इसका प्राइस क्या है, ये किसके लिए है, ये गर्ल्स का है कि बॉयज़ का है, तो कितने दिन चलेगा, इसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब ऐसे से क्वेश्चन करता है कि उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अभी बिल्कुल पढ़ा लिखा और कहाँ से समझदार बच्चा है बिल्कुल। मतलब उनको इतना ज़्यादा पसंद आता है, ये कहीं भी ले जाते हैं तो ये अपनी तरफ आकर्षित करता है लोगों को। तो बस इसीलिए आज मैं उसके साथ बाल कटवाने के लिए गई थी, क्योंकि हेयर उसके बड़े हो गए थे
तो लॉकडाउन में तो हम लोगों ने घर में ही मैंने उसकी कटिंग की 5-6 महीने, बट अब बार्बर वगैरह की दुकान खुलने लगी है। और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइज़ वगैरह कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो सैनिटाइज़र वगैरह मिलता है और दुकानें भी सैनिटाइज़ करवा के वो रखते हैं। और मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफ़ाई बढ़ गई है आजकल, तो मैं इसीलिए उसको बाल कटवाने के लिए ले गई थी। तो आज का वीडियो मेरा मेरे बेटे के ऊपर ही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और कमेंट या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और आज हम दोनों गए थे हेयर कट करवाने ईशु के, तो आज खाने में मैंने क्या क्या बनाया वो मैंने आपको बता ही दिया है। डिनर हमारा हो गया है और अभी तो सादा खाना ही चल रहा है, क्योंकि हैवी खाना और गर्म खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए तो थोड़ा सादा खाना ही चल रहा है। तो बस इसी तरीके से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि हमारा साथ जो है काफ़ी लंबे टाइम में समय समय तक और या फिर बहुत लंबे टाइम तक हम लोग साथ बने रहें। जब तक आपका साथ मेरे साथ नहीं होगा तब तक हम लोग ज़्यादा दूर तक की दूरी तय नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मैं अपनी फैमिली के न्यू न्यू ब्लॉग इसी तरीके से आप लोगों को देती रहूँगी और हम सब लोग साथ में एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और कैसे हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो न्यू लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो न्यू यूट्यूबर मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मतलब आप लोगों को के कई कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी हमारा नाम बोलिएगा, तो जिनको अपना नाम मेरे चैनल पर मैं ज़रूर बताऊँगी, अगर कोई कमेंट करेगा तो उसका नाम उसके चैनल का नाम उसको सपोर्ट करूँगी, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए और हम सब लोग एक साथ में जो है YouTube पर अपना नाम बना पाएँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, मैं ज़रूर इसमें अपनी वीडियो में आपका नाम शो करूँगी, ज़रूर बोलूँगी, और जिससे आपको हेल्प होगा ताकि आप भी जो है अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएँ। बस यही इच्छा के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय और गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।